तो नमस्कार क्लास, आप सभी का श्री बालाजी ऑनलाइन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टेली क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम बिल वाइज डिटेल को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो आज तक जो हमने पढ़ा था, जो हमने बिल वाइज में पढ़ा था, वो क्या था कि एक सिंपल सा एक फॉर्म, जो एक 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 लेवल था जो हमें यहाँ तक लेके आएगा। अभी हम क्या करेंगे कि बिल वाइज को थ्योरी से लेके हम प्रैक्टिकल में लेके आएंगे। अगर आपने लास्ट में 3 क्लास ली है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस प्रकार से बिल वाइज की थ्योरेटिकल एंट्रीज करते हैं और कौन सी बिल वाइज हम कहाँ यूज़ करते हैं। इस प्रैक्टिकल क्लास के अंदर हम ये समझेंगे कि उन प्रैक्टिकल एंट्रीज का यूज़ हम कैसे करेंगे टैली के अंदर और कैसे हम उसकी एंट्री करेंगे। तो एज यूजुअल ये हमारी कंपनी बन के तैयार है। सबसे पहले हमें कंपनी मतलब टैली ओपन होकर तैयार है। हम सबसे पहले कंपनी बनाएंगे और ओके ओके सबसे पहले कंपनी मैंने अपने नाम से यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, राहुल के नाम से। और जो डाटा अपन को सेव करना है, तो डाटा सेव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें सिंपल सा कंट्रोल प्लस सिंपल से कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा डाटा पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। अब ये सेव करने के पश्चात हमारे सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, जो इसमें यहाँ पे जो पहला ऑप्शन कौन सा है, जो लास्ट का इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और कौन सा है सेकेंड नंबर के ऑप्शन हमारे पास इनेबल बिल वाइज एंट्री। तो एक ऑप्शन क्या है, पहले से ही जब भी आप कंपनी बनाओगे तब क्या होगा कि बिल वाइज का ऑप्शन ऑलरेडी पहले से येस होगा। अगर ये ऑप्शन येस है तो आपको उसको दोबारा येस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाई चांस आप कंपनी बना रहे हो और किसी भी कारणवश होगा नहीं, बट बाई चांस अगर कभी ये नो हो जाए यहाँ पे, मतलब बाई डिफॉल्ट ना हो, तो इसको आप येस कर लेना। ये आप कंपनी बनाने के साथ में आपके सामने शो हो जाएगा, इसको भी आप सेव कर लो। सेव करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस ए। इसको सेव करने के पश्चात हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट के अंदर। हम क्रिएट में हैं ऑलरेडी, हमारा कर्सर यहाँ पे है। हमने इंटरप्रेस किया, अब हमारे सामने ऑप्शन आ गया जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि हमें लेजर बनाना है या ग्रुप बनाना है, क्या बनाना है हमको। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ गया कि हमें क्या बनाना है, लेजर बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लेजर पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने इंटरप्रेस कर दिया। तो सबसे पहले बिल वाइज का हम यूज़ करते हैं उधार में, नए लेन देन के लिए करते हैं। तो उधार के लिए हमें सबसे पहले पार्टी का नाम, पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक पार्टी का नाम मैंने बना दिया, लेजर बना दिया, जिसको हम डालेंगे सिंड्री क्रेडिटर के अंदर। मैंने यहाँ पे एस प्लेस किया तो सिंड्री क्रेडिटर की लिस्ट आ गई, मतलब जो एस से रिलेटेड जितने भी ग्रुप है सारों की लिस्ट आ गई। मैंने सिंड्री क्रेडिटर सेलेक्ट किया, आप कीबोर्ड से कर सकते हो, इजीली कोई इशू नहीं है। आप नेविगेशन की जो ये है और ये है, मतलब यहाँ पे नेविगेशन की होती है, आप इनका यूज़ करके आराम से कर सकते हो। अब इसमें और कुछ जानकारी आप चाहो तो फिल कर सकते हो, बट अभी मुझे इतनी ज़रूरी नहीं है, मतलब राम की जानकारी बढ़ने की। यहाँ पे देखो नेम एड्रेस सब कुछ है, बाकी आप चाहो तो फिल कर सकते हो। अदरवाइज आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दो, डाटा क्या हो जाएगा आपका, सेव हो जाएगा। जैसे डाटा सेव हो गया, यहाँ पे फिर से हमारे सामने नेम क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अब मैं यहाँ पे सेकंड नेम चूज कर सकता हूँ, मैंने चूज किया श्याम, अब श्याम सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ओके श्याम यहाँ पे आएगा, श्याम को हम माल बेचेंगे, तो यहाँ पे श्याम आएगा संडे डेबिटर। ओके श्याम आएगा आपका संडे डेबिटर के अंदर। देखो यहाँ पे संडे क्रेडिटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमें संडे डेबिटर सेलेक्ट करना है और हमने प्रेस किया एंटर। डाटा सेव करना है, आप सिंपली कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दो, डाटा क्या हो जाएगा आपका, सेव हो जाएगा। संडे डेबिटर और क्रेडिटर का डाटा मतलब लेजर बनाने के बाद में हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम परचेज और सेल्स की से संबंधित हम लेजर बनाएंगे। और लेजर बनाने के साथ में हम क्या करेंगे, एक बार के लिए हम कुछ एंट्रीज हम यहाँ पे लिख लेंगे जो हम इसमें यूज़ करेंगे एक सेकेंड के लिए। तो मैंने व्हाइट बोर्ड यहाँ पे निकाल लिया फिर से आपके सामने, और अभी हम क्या करेंगे कि जो हम एंट्रीज यूज़ करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे एक बार के लिए राइट डाउन कर देता हूँ, कुछ हेल्प होगी। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो क्लास यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे सामने, मिस्टर शर्मा ने 60,000 रुपये का माल राम से खरीदा, तो इसकी हम एंट्री सिंपल है। अगर हम बिल वाइज के ऊपर भूल भी जाए तो हमारी एंट्री सिंपल होगी, क्या होगी, पी यू आर सी एच ए सी परचेज
अकाउंट डीआर, ये हमारी सिंपल सी एंट्री है, क्या बोलते हैं इसको, अकाउंटिंग एंट्री जो है, परचेज अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट, अमाउंट यहाँ पे आप 60K ना हो तो लिख सकते हो, और आपको लिखना ही है एक्चुअली। तो यहाँ मैंने 60K यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिया। तो ये हमारी सिंपल सी एंट्री है, जिनसे एक नया लेन देन है और मैंने आपको समझाया तो किस में आएगा, ये बिल्कुल आपका न्यू में आएगा। तो ये तो आप एक नंबर की एंट्री हो गई। तो आप एक काम करो, इसको एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, वीडियो पोस्ट होगी आप उसको राइट डाउन कर दो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार चेक कर लें, ओके। तो मास्टर क्वेश्चन, मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अभी देखो, हम एक बार के लिए जाएंगे क्रिएट के अंदर, और हम जाएंगे लेजर में। हमने क्या परचेज मतलब पार्टी का लेजर बना दिया, हम जो लेजर हमने अभी तक नहीं बनाया वो था हमारा, हमने लेजर नहीं बनाया, वो किसका नहीं बनाया अभी तक, परचेज का लेजर नहीं बनाया था हमने। तो हमने सिंपल परचेज का लेजर यहाँ पे बना दिया। अभी हमने यहाँ पे सिंडिकेटर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, परचेज आएगा, अगर आप चाहो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अदरवाइज देखो इसमें नेविगेशन की आप आराम से यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने परचेज अकाउंट पे इसको सेलेक्ट किया, और मैंने क्या किया, डाटा यहाँ पे आराम से इसको सेव कर दिया। तो लेजर बनाना हम सभी को आता है अच्छे से, लेजर में कोई इशू है नहीं। अभी देखो हम क्या करेंगे, अभी हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और हम जाएंगे फंक्शन प्लस F9 मतलब परचेज वाउचर में, सॉरी आप चाहो तो आप यहाँ से भी आप इनका यूज़ कर सकते हो, जैसे कि परचेज पे मैंने क्लिक किया, ओके परचेज पे आ गए। अब परचेज जैसे वाउचर मैसन ओपन हुआ, हमें क्या करना है, हमें इसका मोड चेंज करना है। अभी ये अकाउंटिंग मोड है, इन्वेंटरी मोड है, अकाउंटिंग मोड में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे, और हम जाएंगे एज वाउचर के ऊपर। अभी हम सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हम एंट्री सिंपल करेंगे, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, राम का, तो राम का हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, अमाउंट अपना एंट्री के अंदर था 60K, तो हमने यहाँ पे 60K फिल कर दिया। और अब देखो यहाँ पे ये हमारा बिल वाइज है, ये आज तक ये हमारे सामने डिटेल कई बार आती है, बट सिंस मैंने आपको पढ़ाया नहीं था तो मैं क्या करता इसको एक बार के लिए हर बार के लिए इग्नोर करता। तो अभी हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है बिल वाइज डिटेल। तो यहाँ पे हमारे सामने चार आ गए, और मैंने आपको अच्छे से तीन क्लास में समझा दिया कि न्यू का कब यूज़ करना, अगेंस्ट कब यूज़ करना, एडवांस कब यूज़ करना है। अभी की सिचुएशन एक जो अभी की सिचुएशन मैंने आपको लास्ट टाइम जो मैंने आपको एंट्री लिखवाई है वो सिचुएशन अभी न्यू की है, तो मैं न्यू चूज़ किया। अभी देखो न्यू डिफरेंस में यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे आप चाहो तो 1 फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे फिल करो जो आपको बिल मिला है। जब आप माल परचेस करोगे, चाहे उधार में परचेस करो चाहे नकद में परचेस करो, आपको बिल तो एक मिलेगा ही मिलेगा। तो सिंस जब आपको बिल मिला है, तो बिल के ऊपर जो सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। तो मैंने अभी से सपोज करो कि मेरे बिल का नंबर था ये मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे आ गया ड्यू डेट और क्रेडिट डे। तो ये ड्यू डेट क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि हम किससे माल उधार खरीदते हैं, तो क्या करता है कि हमने उधार माल खरीद लिया, तो सामने वाला इंसान हमें एक लिमिट देता है कि आपको इतने दिन बाद में मुझे पेमेंट करना है, तो ये आपको उसी पेमेंट के लिए है। तो मैंने यहाँ पे डे डाल दिया आपका 60 डे डाल दिया मैंने, ओके। और अभी मैंने इसको सेव कर दिया, आप नॉर्मल इंटर दबा के भी सेव कर सकते हैं, मैंने इसको सेव किया है कंट्रोल ए प्रेस करके। अभी मैंने परचेज में और कुछ डालने की आवश्यकता है नहीं। चाहो तो आप इस एंट्री को सेव कर सकते हो, अभी आप चाहो तो एक एंट्री और कर सकते हो राम के नाम से, सेम अब सेम अलग कर सकते हो बिल्कुल। जैसे मैंने एक यूज नाम राम का लिया क्योंकि राम ही है जो लेनदार हमारा, बाकी अदरवाइज आप नया लेजर बना सकते हो। ये हमने एंट्री कर दी कितने की, 78,999 रुपीज से, और यहाँ परचेज आएगा, ओके सॉरी मैंने थोड़ी जल्दी कर दी शायद बिल वाइज डिटेल फिल करने के लिए, मैं एक बार ही उसको दोबारा करूँगा इस एंट्री को। अकाउंटिंग वाउचर अभी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा राम का, केस में बिल वाइज का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 80,000, इंटरप्रेस किया। देखो यहाँ सामने हमारे सामने फिर से ऑप्शन आ गए, अभी हमें न्यू का यूज़ करना है। अभी न्यू का मैंने यूज़ किया, बिल नंबर डाल दिया मैंने,
और मैंने डेट डाल दी इसको, दिया 80 डेज़, 89 डेट डाल दिए, कुछ नहीं है। और ये मैंने परचेज में इस एंट्री को मैंने सेव कर दिया। ओके सो अभी क्या हो गया कि हमने ये दोनों एंट्रीज हमने सेव कर दी जो दोनों लेनदार की है। अभी हमें ये देखना है कि कितने हमारे बिल बकाया है, मतलब कि कितने हमारे पास ऐसे बिल हैं जिनका हमें पेमेंट करना है। यूजली क्या होता है कि जब आप एक अकाउंटिंग अकाउंट मतलब एक फर्म पे अकाउंटेंट की जॉब पे डेस्क बैठते हो तो आपके सामने क्या होगा कि एक डेस्क, एक अलग से सेक्शन होगा जिसके अंदर आप वो बिल लिखते हो जिनका आपको पेमेंट करना है। तो टेली के अंदर वो सिस्टम होता है कि टेली में अलग से एक सेक्शन बना होता है जिसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से बिल का आपको भुगतान करना है। और वो देखने के लिए क्लास ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो ये देख लो आराम से। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा बिल कहाँ, मतलब कौन कौन से आउटस्टैंडिंग बिल है। तो वो देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, हम जाएंगे आउटस्टैंडिंग के अंदर, हम जाएंगे देखो कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनका जिनसे हमें पैसे आने वाले हैं तो आएगा रिसीवेबल के अंदर, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनके पास से हमारे पास से पैसे जाएगा तो आएगा अकाउंट्स पेएबल के अंदर। अब देखो यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल के अंदर हमारे पास दो बिल आ गए। पहला कौन सा है, ये आपका नंबर, बिल नंबर यहाँ पे आ गया, जिस दिन हमने माल खरीदा वो यहाँ पे आ गया, राम नाम जो भी है अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो ये है किसमें से हुआ हमारा, इसके अंदर। दोबारा मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्या हुआ कि हम सबसे पहले हम गए डिस्प्ले के अंदर, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर गए, आउटस्टैंडिंग, पेबल और रिसीवेबल। इस बार हमारा जो भी है वो आएगा पेबल के अंदर क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है तो पेमेंट करना है तो पेबल में आया। अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, हम गए पेमेंट के अंदर। पेमेंट में जाने की शॉर्टकट की होती है आपकी फंक्शन प्लस सेकेंड F5। ओके तो अभी DR के अंदर हमने राम नाम डाल दिया, ये जस्ट इन सेकेंड गाइस। और राम को मैंने यहाँ पेमेंट कर दिया कितने का, 60K का पेमेंट कर दिया, इंटर। देखो जैसे हमने राम चूज किया यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे बिल वाइज में क्या चूज कर लिया, हमने अगेंस्ट डिफरेंस चूज कर लिया क्योंकि जब ये मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी और मैं आपको खुद से बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी पुराने बिल के बजाय हम भुगतान करेंगे तो अगेंस्ट डिफरेंस का हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, इसी से हम अगेंस्ट डिफरेंस का यूज़ करेंगे। देखो दोनों बिल हमारे पास आ गए राम के, तो यहाँ पे देखो ये बिल कितने का, 60,000, तो हम इसी बिल का यूज़ कर लेंगे, 60,000 वाले बिल का। तो ये मैंने 60,000 इसको सेलेक्ट किया, इंटर इंटर दबा के मैंने क्या कर दिया इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे हम कैश में अमाउंट डाल देंगे 60,000 रुपीज़ और हमने कर दिया इसको सेव। अब हम बैग जाएंगे वहीं सेम जगह पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेबल। अब यहाँ पे कितना बिल शो होगा, एक ही बिल शो होगा। इस प्रकार से हम बिल वाइज का यूज़ करते हैं, जो अगर हमारे पास नया बिल आया तो हम न्यू का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बिल ऐड होते जाएंगे, और जैसे हमारे बिल का भुगतान कर दिया तो यहाँ से बिल को हमको हटाना है तब किसका यूज़ करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस का हम यूज़ कर लेंगे। प्लस ये था परचेज के अंदर बिल वाइज का यूज़ करना, नेक्स्ट क्लास के अंदर सेल्स में हम बिल वाइज का यूज़ करेंगे और उसके बाद में हम एडवांस और अगेंस्ट डिफरेंस का यूज़ कर लेंगे, वो भी दोनों परचेज और सेल्स के अंदर। तो क्लास ये वीडियो में यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगर आप कुछ डाउट हो कुछ भी, अगर आप कॉम्प्लीमेंट कुछ भी अगर आपको बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो आप वीडियो शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको मुझसे क्लास लेनी है तो आप श्री बालाजी ऑनलाइन श्री बालाजी कंप्यूटर सेंटर में एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद।